वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं एक ही फ्रेम में तीन मॉडल्स का कंपैरिजन दिखाऊंगा। सबसे ऊपर लगा हुआ आपका FTKF50UV, फिर आगे आपका JTKJ50UV, फिर आगे आपका FTKZ50UV। ये देखिए, ये आउटडोर यूनिट आ गया FTKF एंड वो रहा आपका JTKJ एंड FTKZ। द आउटडोर इज एग्जैक्टली सेम, बस थोड़ा सा वेट का फ़र्क आ गया। तो सबसे पहले हम ISEER की बात करते हैं और स्टार रेटिंग की। इन तीनों मॉडल्स 5 स्टार हैं। सबसे पहले इनकी ISEER और कूलिंग कैपेसिटी का फ़र्क है। अगर आप इसकी ISEER देखो, वो है 5.80, इसकी आ गई 5.20, इसकी आ गई 5.40। अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात करें, ये 5000 वाट आ गया, ये 5280, ये भी 5280 वाट कूलिंग कैपेसिटी। अगर मॉडल नंबर मैं फिर से रिपीट करूं, FTKF50UV, JTKJ50UV एंड FTKZ50UV, चलो ये तीनों मॉडल हो गया। अगर लुक्स की बात करें, FTKF एंड JTKJ मैट फिनिश में आते हैं, ये ग्लोसी लुक में आएगा आपका। FTKF में आपको डिस्प्ले नहीं मिलती, इन दोनों में आपको डिस्प्ले का ऑप्शन अवेलेबल है। तीनों मॉडल में 3D स्विंग अवेलेबल है। तीनों मॉडल 100% कॉपर में है। तीनों मॉडल में R32 गैस मिलेगी आपको। तीनों ही मॉडल 2022 की नई स्टार रेटिंग में 5 स्टार ही हैं, कोई स्टार रेटिंग इनकी चेंज नहीं हुई। इन तीनों में आपको जौन सा JTK दिया, इसमें आपको एयर प्योरीफायर मिलेगा, जिसे पेटन स्टीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फीचर आपको सिर्फ JTKJ में ही मिलेगा। कंप्रेशर की बात करें, इन दोनों में आपको FTKF एंड JTKJ में स्विंग कंप्रेशर मिलेगा एंड FTKZ में ड्यूल रोटरी कंप्रेशर यूज़ किया गया है डाइकन की तरफ से। अगर फीचर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा एडवांस JTKJ फीचर्स के मामले में, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी AI टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया डाइकन की तरफ से, जो कि आपके कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है और कंजप्शन में भी थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर ISEER रेशियो की बात करेंगे तो FTKZ की 5.40 आ गई, इसकी 5.2। अगर प्रैक्टिकल देखोगे कि कोई किसकी PCB ज़्यादा एडवांस है, तो JTKJ का जौन सी आउटडोर की PCB है वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू KZ। इसकी फ़ैन मोटर भी ज़्यादा एडवांस है, इसकी फ़ैन मोटर 1190 RPM है, नीचे वाले के 1090 KZ के, तो 100 RPM का फ़र्क है इन दोनों के। अगर देखें, दोनों मशीन 44 डिग्री तक आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अब 5400 वाट, और 80% कूलिंग कैपेसिटी आपको 49 डिग्री तक मिलेगी, जो है 4900 वाट कूलिंग कैपेसिटी KZ एंड JTKJ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसे ही आप ऊपर जाते हो तो वो 46 डिग्री तक आपको 100% कूलिंग देगा, और वो जो कि है 5350 वाट। अगर आप उसकी 80% कूलिंग कैपेसिटी देखते हो, वो आपको 52 डिग्री तक मिलेगी, जो कि है 4900 वाट कूलिंग कैपेसिटी। ये तीनों मॉडल में आपको एक्सपेंडेबल कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। जो उनसे KZ आता है वो 6000 वाट देगा, JTKJ 5750 वाट एंड KF इज़ ऑल्सो 6000 वाट कूलिंग कैपेसिटी देगा आपको। ये आ गया आपके थोड़ा सा बेसिक सा कंपैरिजन। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, जो उनका KF है वो 1080 वाट पे मशीन चलेगी, अगर वो 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी देता। अगर JTKJ देखो, वो 1280 वाट पे चलेगी, एंड सेम ऐसे करोगे वो 1280 वाट पे KZ मशीन चलेगी, आपको 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी जब देगी ये। जब एक्सपेंडेबल पे जाते हैं तो ये 1600 वाट तक चले जाती है, जब 6000 वाट कूलिंग कैपेसिटी जाएगी। पर अगर आप FTKF की बात करें, वो इतनी मीन्स हाई नहीं जाती, वो 1350 वाट तक मशीन जाती है मैक्सिमम। एंड KF का आउटडोर भी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू JTKJ और FTKF,
कंपनी इसे लिखते हैं 56 डिग्री तक ये मशीन वर्क करेगी। अगर आप वही JTKJ वगैरह देखते हैं FTKF, वो कंपनी मेंशन करती है 54 डिग्री तक। आपको मैं कैटलॉग में भी डिफरेंस दिखाता हूँ। ये आपका KF सीरीज का आ गया 5.1 एम्पीयर, अगर 5000 वोल्ट कूलिंग कैपेसिटी देगी। मैक्सिमम BTU 20,470, 5000 पे बनते हैं 17,060 BTU। मिनिमम ये मशीन 5,120 BTU पर हार पे काम कर सकती है। अगर यही JTKJ का देखो, मैक्सिमम BTU 19,620 है, पर जोन सी 21 मॉडल थी उसके थे 20,500 BTU। JTKJ का 2021 का मॉडल थोड़ा ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता था एज़ कंपेयर टू नया वाला जोन सा 22 का UV सीरीज आ रही है, ये देख सकते हो। पहले इसकी 39 kg की मशीन आती थी, अब ये 33 kg की करती। अगर ये आप FTKF की बात करें तो इसके आउटडोर का वेट 48.5 kg है। स्विंग कंप्रेशर KR सीरीज, KM, JTKJ, अगर जो सी नई वाली है, इन सब की कूलिंग कैपेसिटी वगैरह सेम है, बस थोड़ा सा फीचर्स का फर्क है। इसमें आपको आई सेंसर आ जाता है, ये देखिए, जो कि जैसे जैसे आप अपनी बॉडी मूव करोगे, आपके मीन्स राइट टू लेफ्ट साइड जाओगे तो जो इसकी 3D स्विंग होती है वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। अगर आप रूम में अकेले हो, 3-4 जाने हो रहेंगे तो ये कूलिंग कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड कर लेगा। अगर आधे पौने घंटे लिए आपने बाहर जाना तो AC बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अपनी कूलिंग कैपेसिटी डाउन कर लेगा। तो ये थोड़े से AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जो कि डाइकन ने इस साल नहीं, बहुत सालों से कर रहे हैं। ये मेरे पास लगा हुआ कम से कम भी 8-9 साल पुराना मॉडल है, इस पर भी AI यूज़ किया हुआ। 1.5 एम्पीयर पे चल रही है मशीन, 2 टन 1.8। JTKM सीरीज आती थी डाइकन की, ये वो सीरीज लगी हुई है हमारे पास। ये आपकी FTKM आ गई, सेम फीचर्स हैं, सिर्फ जो उनसे FTKM आ गया, FTKR में ये डिफरेंस आ गया आपका कि FTKR में आपको मिल जाएगा वाईफाई की तक ओहो मिल जाएगी कि आप गूगल अलेक्सा या फ़ोन से भी उसे यूज़ कर सकते हो। आउटडोर एंड इंडोर एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद KZ आती है, KZ में आपको कंप्रेशर चेंज मिल गया क्योंकि इसमें ड्यूल रोटरी आ गया, ड्यूल इन्वर्टर जो का स्विंग कंप्रेशर नहीं है इसमें। इसकी ISER भी ज़्यादा, फिर स्विंग कंप्रेशर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मशीन सेम है। अगर आप किसी भी मॉडल को वाईफाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेसरीज में ऑप्शन अवेलेबल है, वाईफाई किट आती है डाइकन की, वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आपको जो उनका डीलर होगा वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो सिर्फ आपको डाइकन की ब्रांड शॉपी पे ही चीज़ अवेलेबल होगी, जो उनकी एक्सेसरीज वगैरह एक्स्ट्रा अगर आपने लगवानी है अपने एयर कंडीशनर में। तो मैं देख रहा था YouTube पे कोई भी ऐसा इतना बड़ा कंपैरिजन नहीं था जिसमें एक ही फ्रेम में 4-5 AC की दे गई हो, तो कमेंट आ रहे थे इसलिए बनाई, सुबह सुबह आती बना ली, लड़के काम कर रहे थे तो मैंने कहा अपनी वीडियो बना ली जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और नई वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता, जो जो लिखा गया उस पर ही बात करेंगे, ऐसे नहीं कि कंपनी ने पैसे दे दिया कुछ, क्योंकि मैंने तो सारे ब्रांड बेचने हैं। ये वोल्टास लगा हुआ, ये तो शिबा आ गया, ये एमस्टर्ड आ गया, LG सब हमारे पास मिल जाएगा आपको।